हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। बहुत ही फायदेमंद आंवला है, इसे जरूर यूज करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये आधा किलो आंवला ले रखा है, इसका मुरब्बा बनाएंगे, ताजा ताजा है। अब जब आंवले बाजार से लाते हैं, जो भी चीज बनाना हो तो आप ला रहे हैं तो उसको कई दिन नहीं रखिए, जितना जल्दी हो सके आप बना डालिए, नहीं तो क्या होता है कि खराब हो जाता है, चोट वगैरह लगा रहता है आंवले पे, तो दाग वोग बनने मतलब काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आंवला मतलब नुकसान होता है, तो इसलिए आप लाएं तो तत्काल में ही आंवले का जो भी चीज बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, मतलब बना लीजिए, वही सही रहेगा। देखिये, हमने ये लिया है, ये कोचने वाला है, ये ज्यादा बेहतर रहता है, यूज यही करें इसको कोच, मतलब इससे हम आंवले की जैसे कुचाई करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये जा रहा है, इसे निकालने में भी आसानी है, आप यूज करें तो ये कोचने वाला यही यूज करें, दूसरे से बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमें तो इसी से बहुत ही आसानी से हम इसे आंवले को ऐसे ही करते हुए कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से हमें करना है, एक तार हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें करके हम इसका मुरब्बा बनाएंगे। इसलिए देखिए हम अच्छे से इसे कर दे रहे हैं, आपको एक करके दिखा देते हैं, क्योंकि हम पूरा करके नहीं दिखा सकते, लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी और हमें भी ज्यादा समय लग जाएगा। देखिए ऐसे ही करते हुए हमें जितने अच्छे से इसकी हम इसकी कुचाई मतलब ऐसे ही कर लेंगे इसे, उतने ही अच्छे हमारे मुरब्बे बन के तैयार होंगे। देखिए ऐसे ही करते हुए हमें, देखिए हमने इसे आपको हम पास से दिखा देते हैं कि कितनी बारीकी से हम इस पे हमने बार बार लगातार करते हुए हमने इसे कोच के तैयार कर लिया है। अब इससे अधिक नहीं करना, नहीं तो हम जब उबालेंगे इसे तो ये टूट के बिखर जाएंगे, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए हाथों से दबा के आपको हम दिखाते हैं हमने कैसे अच्छे से इसे कोच के तैयार कर लिया है। कोचते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ये है हमने कोचने वाला लिया, अब इसको अच्छे से अंदर ऐसे अंदर बीज के पास जाना चाहिए हमें कोचते समय, ऊपर ऊपर से हम कोचेंगे तो वही अच्छे नहीं लगेंगे, कसाव देंगे, अच्छे नहीं बन पाएंगे। देखिए बीज के पास तक ये जाना चाहिए, ऐसे ही करते हुए हमने बारीकी से सारा हमने कोच के तैयार कर लिया। अब हमें नहीं कोचना, इससे अधिक अगर हम करेंगे तो जब हम उबालेंगे तो ये टूट के बिखर जाएंगे, इसलिए देखिए हमने तैयार कर लिया। अब इसे हमें पानी में डाल के रखना है, हम पानी ले लेते हैं। देखिए हमने नॉर्मल पानी है, अब इस पानी में हमने कुछ डाला नहीं, चूना वगैरह नहीं डाला है हमें, अब इसे ऐसे ही पानी में डाल के इसे छोड़ देना है, सारा हम कोच के और पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद जब तैयार हो जाएगा सारा तो हम कुकर में डाल के इसे उबालेंगे। देखिए हमने अपने सारे आंवले को अच्छे से कोच लिया, आप देख सकते हैं हमने इसे कोच कोच के पानी में तुरंत डाल दिया है, जैसे हम कोसते गए एक एक करते हुए हमने सारे को, देखिए कितनी अच्छे से हमने इसकी कुचाई की हुई है, इसको हमने पानी में डाल दिया है। अब इसे हम कुकर में निकाल के डाल देते हैं। देखिए हमने ये कुकर ले रखा है, अब इसमें हम डाल देंगे, ये पानी भी डाल देंगे। आइए जी, देखिए ये कम है, हमें एक सीटी लाना है कम पे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए रखना है, ज्यादा नहीं, आधा किलो है, ज्यादा देर तक रखेंगे तो ये गल जाएंगे, तो इसे हमें बंद कर देना है कुकर को। अब इसे हम उबलने के लिए रख देंगे चूल्हे पे। देखिए हमने कुकर को चूल्हे पे रख दिया है, एक सीटी आने के बाद, कम है इसलिए एक ही सीटी लाएंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे कैसा हुआ, उसके अनुसार हमें पकाना है इसे आंवले को, उससे अधिक नहीं है, बिखर जाएंगे क्योंकि कोचा इसकी अच्छे से हमने कोचाई कर दी है, इसलिए जल्दी ही ये उबल जाएंगे, ज्यादा समय लगेगा नहीं, कम है इसलिए कम समय लगेगा। अब इसे ऐसे ही रहने दे रहे हैं एक सीटी आने तक, एक सीटी आने के बाद उसके बाद से चेक किया जा रहा है इसको। देखिए अब इसे निकाल के हम आपको दिखाते हैं प्रेशर इसका, कि आंवले हमारे देखिए कैसे आंवले हमारे मतलब उबल चुके हैं, हम निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे दिख रहा है ये, कैसे ये उबल गया है, नरम दिख रहा होगा, इससे अधिक हमें नहीं करना है नहीं तो ये बिखर जाएंगे, ऐसे ही होने चाहिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं पानी से बाहर। देखिए हमने जाली वाली डलिया ले रखी है, डलिया जाली वाली ही होनी चाहिए, मतलब जाली वाले में ही रखना है आंवले को,
किसने से अच्छे से पानी, 2 घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही निकाल के जाली वाले में 2 घंटे के लिए रख देंगे, जो भी आंवले के अंदर पानी होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। नहीं तो हम लोग अगर हम चीनी डालेंगे तो बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो आंवले हमारे टूट भी जाते हैं, अगर अधिक पानी हो जाएगा तो अच्छे बन भी नहीं पाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, लाल दिखने लगेगा और खाने में भी उतना मजा नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ऐसे ही आप मतलब 2 या 4 घंटे तक ऐसे ही रख दे, हम इसको 4 घंटे के लिए ऐसे ही रखते रहें कि इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद से हम इसमें चीनी डालेंगे। देखिए ऐसे ही सारा हम निकाल लेंगे अपनी जाली वाली डलिए में। देखिए मैंने टोटल निकाल दी है अपनी जाली वाली डलिए में, आपको पास से दिखाते हैं हम। देखिए कैसे खिले खिले दिख रहे हैं, कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कैसे पानी निकल रहा है। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही इसे हम 4 घंटे के लिए रख देंगे कि अच्छे से इसमें का सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद से इसको हम बनाएंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे मुरब्बा तैयार किया जाता है। कई सालों तक चलेगा, खराब नहीं होगा, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए 4 घंटा हो गया आंवले को। अब हम अपनी कढ़ाई ले लिए हैं, इसमें हम चीनी डालेंगे। देखिए ये हमने चीनी 1 पाव मतलब ये कटोरी है, क्योंकि हमें मुरब्बा बनाना है तो इसमें हम देखिए हमने ये 2 कटोरी हमने चीनी ले लिया। ये वजन में 3 पाव हो गया है, इतना ही हमें चाहिए, क्योंकि आंवले में एक चाशनी होनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छे नहीं बन पाएंगे, मतलब अच्छे से पक नहीं पाएंगे। अब इसे हम चीनी में डाल देते हैं। देखिए हमने 4 घंटा इसे रखा हुआ था, 4 घंटा हो गया है, कैसे ये देख सकते हैं आप कैसे सूखे सूखे लग रहे हैं। अब इसे हम इसमें डाल देते हैं, डाल के हम चाशनी को तैयार करेंगे अपने। देखिए इसको हमने इसमें डाल दिया। अब इसे हम 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही चीनी में छोड़ देंगे, हल्का सा डालेंगे इसमें पानी, क्योंकि आंवला खुद पानी छोड़ेगा, इसलिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, हमें हल्का सा पानी डालना है और 1/2 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे। देखिए हमने ये गिलास में पानी ले रखा है, इसमें हम बस इससे ज्यादा हमें पानी नहीं डालना है। अब इसे हम ऐसे ही 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये सारी जो आंवले से भी और पानी हमने डाला उससे हमारी चीनी गल जाएगी, और चीनी इसमें अधिक डालना। देखिए हमने 1/2 किलो आंवला ले रखा, हमने 3 पाव चीनी डाला, क्योंकि इसमें चाशनी चाहिए, चाशनी की जरूरत, हम मुरब्बा बना रहे हैं, जैसे रसगुल्ले हम गुलाब जामुन बनाते हैं वैसे, मतलब सेम वैसे ही ये होना चाहिए, मतलब वो क्या बोलते हैं मुरब्बा, मतलब मेरा आंवले का मुरब्बा, तो इसमें चाशनी वैसे ही चाहिए हमें, इसलिए हमने इसमें 3 पाव चीनी डाला, 1/2 किलो आंवला था। अब इसे 1/2 घंटे बाद हम चूल्हे पे रखेंगे। देखिए हमने 1/2 घंटे बाद आपको दिखा रहे हैं कि चीनी कैसे गल गई है और पानी मतलब ज्यादा हो गया है, देख सकते हैं आप कितना रसा हो गया है। अब इसे हमें पकाना है। देखिए अभी चीनी नीचे बैठी हुई है, देखिए चीनी दिख रही होगी नीचे बैठी हुई है और गल चुका भी है पानी, देखिए कितना चाशनी ये तैयार हुई है ऐसे करके। हमें अब इसे हमें पकाना है चलाते हुए हल्के हाथों से, कि ये टूटे ना, कि ये तो खुद पक चुके हैं, मतलब दिखाते हैं आपको हमने उबाला था तो ये कितने हद तक पक गया है, बस हमें चाशनी को गाढ़ा करना है। अब इसे चलिए हम गाढ़ा करते हैं। देखिए इस समय हम इसे अपने मतलब चूल्हे को हमने तेज करके रखा हुआ है, फुल है, देखिए इसे हमें गाढ़ा करना है, देख सकते हैं आप ये कैसे दिख रहा है चाशनी हमारी। अब इसे ऐसे ही करके अच्छे से उबाल आने लगेगा। अब थोड़ी देर में इसे हम कम पे मतलब चूल्हे को कम कर देंगे और 10 मिनट तक हम कम पे ही इसे पकाएंगे कि अच्छे से चाशनी अंदर चली जाए, जो भी अंदर का पानी होगा वो निकल जाएगा। इसलिए हमने तेज करके इसे चूल्हे पे मतलब तेज कर दिया है गैस को, कि अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो जाए। अब देखिए इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है। अब इसे हम कम पे करके 10 मिनट तक अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत झटपट हमारे आंवले के मुरब्बे बनके तैयार हो जाते हैं, कम समय भी लगता है, गैस भी कम खर्च होता है और झटपट आसानी से बन जाता है। इसलिए चीनी के अनुसार ही डालें, ज्यादा पानी न डालें, जैसे हमने बताया वैसे आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुरब्बा बनाने में। देखिए अब हम चूल्हे को कम कर दे रहे हैं, बीच बीच में इसे हमें देखना है, छोड़ना नहीं है, बीच बीच में इसे हमें देखते हुए ऐसे ही चलाते हुए इसे देखना है, छोड़ेंगे नहीं तो ये नीचे से पकड़ सकते हैं। वैसे भी मोटे तले का बर्तन होना चाहिए, हमने मोटे तले का बर्तन लिया है, मोटे तले का बर्तन रहता है तो दिक्कत नहीं होती है, पकड़ता नहीं है चीनी। देखिए आपको दिख रहा होगा कि चाशनी हमारी कितनी क्लीन है, एकदम मतलब दिख रहा है
कैसे, मतलब शीशे के जैसे जो बोला जाता है वैसे हमारी चाशनी झलक रही है इसमें। कढ़ाई में आपको दिख रहा होगा, हम दिखा देते हैं ऐसे करके। ठीक, हमने जैसे बताया उसके अनुसार आप चीनी डाल के और जैसे बताया वैसे आप मुरब्बा बनाएंगे आंवले का, बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा आंवला, मतलब मुरब्बा भी, और कम समय लगेगा, गैस भी कम खर्च होगा, और ज्यादा मतलब ये कि चीनी जिसके अनुसार हमने बताया उसके अनुसार आप चीनी डालिएगा। देखिए बहुत अच्छे से बनके मुरब्बा झटपट, हमने कई सालों से बहुत ढेर सारा मुरब्बा हमने बनाया है। देखिए आज हम आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। देखिए देखिए इसे हम छोड़ दे रहे हैं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद आपको हम दिखाएंगे हमारे मुरब्बे, मतलब आंवले के मुरब्बे तैयार हो जाएंगे बहुत आसानी से। बस ये है कि तरीका मालूम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आंवले का मुरब्बा बनाने में। देखिए हमारे आंवले के मुरब्बे बनके तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं अभी गर्म है इसलिए हम इसे हाथ से नहीं छू सकते कि अभी ये गर्म है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, हमने चूल्हे को बंद कर दिया। हम पास से आपको दिखाते हैं कि हमारे जो मतलब आंवले के मुरब्बे हैं, देखिए कितने अच्छे और बेहतरीन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा भी कलर नहीं चेंज हुआ हमने जैसे बनाया। अब हर चीज हमें बताते हुए आपको हमने समझाया और बताया, वीडियो लंबा थोड़ा हो गया है बताते हुए। देखिए हमारे मुरब्बे बनके तैयार हो गए हैं,